लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यकीन न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मोहम्मद तारिक। आज नांदेड़ से यूपी के लिए ट्रेन जाने वाली है, हमारी एक ये रिपोर्ट देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ऐसा लगा कि यहाँ पे खिदमत करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारी जो टीम है मुशी जकी, ये जो तकरीबन लोगों का ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच जो थी उससे ज़्यादा हमको यहाँ पे अच्छा महसूस हो रहा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम में अपने लोग ये काम करने की एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ताला ने हमको यहाँ पे पेश कर दिया। और हम जितने मुसाफिर है 1200-1300 लोगों का हमने माउस, बिस्किट के पूड़े और पानी की बोतल इस तरीके से हमने सबको देने का पूरा नज़्म रखे। इंशाल्लाह ताला हर समाज के लोगों को देने का हमारा ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं बीमारी जल्द से जल्द दूर कर दो, और जितने लोग परेशान हैं ये अपने अपने मकाम पे सही तौर पे पहुंच जाए, इनको आगे घर को गए तक के इनको अल्लाह के फजल से कोई बीमारी का कोई ये नहीं निकले, ये हमारी दुआ है। आपका नाम? मेरा नाम नाजिम। कहाँ जाने वाले? लखनऊ। लखनऊ जाना जी। इतना कब मिली आपको कि नांदेड़ से ट्रेन निकलने वाली? कल मिली है 10 बजे, कल शाम। टिकट कौन दे रहा है आपको? टिकट नहीं, पास दे रहे हैं, ये पास मिल रहा है जी। दीदी क्या नाम है? सूरजमुखी। कहाँ की? कानपुर यूपी। कब आए थे नांदेड़? 6 महीने हो गए सर। काम के लिए आए थे? गन्ने के काम। कैसा लॉकडाउन का टाइम कैसा गुजरा आपका? आराम से गुजरा या परेशानी हुई? आराम है सर। आराम से गुजरा। मदद करे काम करने वालों ने? काम करते थे आप? मदद करी है। मदद की है क्या? की है। क्या नाम है भैया? संतोष कुमार जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश गोरखपुर। कब आए थे नांदेड़? नांदेड़ में आए थे जून में। लॉकडाउन से पहले आए थे? हाँ, लॉकडाउन से पहले। कलर के लिए, कलर का काम करते थे, वर्कर का। हाँ, रहते हैं जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपको खाने पीने के लिए मिला था क्या? नहीं, सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं थी। नहीं नहीं, जहाँ रहते जहाँ काम के लिए आए थे? हाँ, वहाँ सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं था हमारे को, हम अपने हाथ से जो भी बनाकर खाते थे, जो अपने पैसे से खरीदते थे वही था। कहाँ रहते थे? यहाँ दत्त नगर, विनायक नगर में। कितने लोग रहते थे? ऐसे 25-30 जन आए हम। एक एक घर में? नहीं, अलग अलग में, बोले तो एक ही मकान के नीचे ऊपर नीचे ऊपर रहते थे। हाँ। आपको इतने लगा मिली ट्रेन जाने वाली? ये हमें अपना फार्म भरे वाले थे, ऑनलाइन भी आया था, वो मोबाइल से भरे, उसके बाद हम ऑफलाइन तहसील में जाकर भर के आए। पैसे वगैरह लगे? नहीं, पैसे वहाँ नहीं लगे। टिकट पैसे नहीं लगे? टिकट के अभी नहीं लगे। घर
साइड जा रहे तो कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा ही लग रहा है। आओगे वापस बार? आएंगे ना। हाँ हाँ आएंगे। सर हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा दी गई उत्तर प्रदेश के लिए, और यहाँ की सरकारें और केंद्र सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा व्यवस्था की, खाने पीने के लिए जो भी व्यवस्था है हम लोगों को सुरक्षित घर पहुँचा रही है, और कोई बात नहीं। बस थैंक यू, और कुछ नहीं कहना। परेशानियाँ क्या हुई? नहीं सर जी, कोई परेशानियाँ नहीं हुई आज, और इतने दिनों में ये जो परेशानियाँ हुई, लेकिन आज सुरक्षा दी ना घर जाने के लिए, बस यही है, हम लोग यही चाहते हैं। और इसका पहले और कोई सुविधा दी जाती तो अच्छा होता। हाँ सर, अभी हम घर जा रहे हैं, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, सब लोगों को भी लग रहा है, लेकिन परेशानी है हुई सर कि 2 महीने हो गया, 1-1.5 महीने हो गया लॉकडाउन होकर, अगर ये सुविधा और भी पहले दी जाती तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता। फिर भी बहुत लोग चले गए घर को, उनको परेशानियाँ हुई, लेकिन फिर भी जो भी हुआ है अच्छा हुआ है सर, लेकिन और पहले हो जाती तो और भी बेहतर रहती। 40 दिन कहाँ गुजारे आप, कैसे गुजारे? 40 दिन रूम में रहे सर, एक रूम में बैठकर देखकर, खाना वाना की परेशानी तो हो ही जाती है, बाहर से कौन रखता है इतना पैसे, 5,000-10,000 रुपये रखते हैं सर, खाकर ख़त्म हो जाता है। कितने लोग थे आप? हमारे लोग सर 150 लोग थे हमारे पहचान के, लेकिन हम लोग 3 लोग एक साथ में रहते थे। कारपेंटर? कारपेंटर, हाँ, फिनिशिंग कारपेंटर। आओगे बाद में? चलो हाँ आएंगे, आएंगे सर।